नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ SMS एकेडमी। तो फिजिक्स का वॉल्यूम नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 में वीडियो का पार्ट हम 5 लेकर आए हैं। प्रकाश में चल रहा है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण की हम लोग बात करेंगे कि गोली दर्पण क्या है। सबसे पहले गोली दर्पण, तो लेंस का, किसी गोली लेंस का वह भाग जो हम प्रयोग में लेते हैं और जिसके एक तल पर कलई या पॉलिश करके दूसरे तल को परावर्तक तल बनाया जाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, स्फेरिकल मिरर कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण, नंबर दो उत्तल दर्पण। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा कोई गोली लेंस है और इस लेंस का हमने इतना भाग काट लिया, मान लो ए से और बी तक डिवाइड कर दिया, इतना भाग हमने ये इधर का हमने हटा दिया, तो ये हमारा द्वारक कहलाएगा। जितना भाग हमने यूज किया है, प्रयोग में लिया है, वो हमारा कहलाएगा द्वारक। अब इसके एक तल पर या तो एक्सटर्नल पार्ट या इंटरनल पार्ट पर हम पॉलिश कर देते हैं तो ये दर्पण बन के तैयार हो जाता है। अब बात ये आती है कि ये वाला जो है ये हमारा पॉलिश दार तल है और ये हमारा परावर्तक तल है। तो किसी गोली लेंस का वह भाग जिसे हम प्रयोग में लेते हैं द्वारक कहलाता है, और द्वारक के एक तल पर यदि मैं पॉलिश कर देता हूं, दूसरे तल को परावर्तक पृष्ठ बना देता हूं, गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण, नंबर दो उत्तल दर्पण। दो दर्पण हैं आपके, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण कौन सा होता है और उत्तल दर्पण कौन सा होता है, तो आप देखेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की मैं बात करता हूं। फर्स्ट अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है हम उसकी बात करते हैं। कौन के मिरर, तो कौन के मिरर की परिभाषा क्या है, कौन के मिरर की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ कौन के मिरर। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की हुई होती है और दबे हुए तल में परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अर्थात दबे हुए तल को परावर्तक तल माना जाता है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे आप चित्र द्वारा समझेंगे, मान लो ये हमने किसी लेंस का एक भाग ले लिया ए और बी या M1 M2, इसको बोलते हैं द्वारक। अभी हमने आपको परिभाषा में बताया कि जिसके उभरे हुए तल पर, मतलब बाहरी पृष्ठ पर, एक्सटर्नल पार्ट पर पॉलिश की जाए तो ये क्या है, आपकी पॉलिश है। और दबे हुए तल को परावर्तक तल बनाया जाए
वह अवतल दर्पण कहलाता है। नंबर दो बात आती है उत्तल दर्पण। हाँ, नंबर दो की बात करें तो नंबर दो में आता है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है कि किसी गोलीय लेंस का वह भाग जिसके दबे हुए तल में पॉलिश की जाती है और उभरे हुए तल को परावर्तक तल माना जाता है, वह उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे चित्र द्वारा आप देखेंगे, ये हमने कोई गोलीय लेंस का द्वारक ले लिया M1 M2, ये हमारा कहलाता है द्वारक। वह भाग जो हम प्रयोग में लेते हैं उसे द्वारक कहते हैं। जिसके इंटरनल मतलब दबे हुए भाग में पॉलिश की जाती है, दबे हुए भाग में पॉलिश की जाती है, और उभरे हुए तल को परावर्तक तल बनाया जाता है, वह कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण कहलाता है। ये दोनों आपके दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आपने पढ़ी। अब हम इन पर प्रतिबिंब बनाना आपको दिखाते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। अब आप देखेंगे कि दर्पणों के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, वो मुख्य बिंदु को आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा था अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में आप देखेंगे कि इसकी मुख्य बिंदु, चिन्ह परिपाटी और प्रतिबिंबों के लिए किरणों का नियम, आप सारी चीजें इसी में पढ़ेंगे। तो देखेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की हम लोग बात करें तो कॉनकेव मिरर में मुख्य पॉइंट कौन कौन से, मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम द्वारक, ये M1 M2, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हो गया द्वारक, ये पॉलिशदार तल, उभरा हुआ पॉलिशदार तल होता है, दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है, तो ये हो गया द्वारक। अर्थात किसी दर्पण का वह भाग जिसे हम प्रयोग में लेते हैं वो हमारा द्वारक कहलाता है। पहली परिभाषा द्वारक की हो गई कि वह भाग दर्पण का जिसे हम प्रयोग में लेते हैं वह द्वारक कहलाता है। उसके बाद बात आती है मुख्य अक्ष की। द्वारक के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। द्वारक के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। यह है हमारा मुख्य अक्ष। अब ये पी क्या है? पी फॉर होता है पोल, पोल का मतलब होता है ध्रुव। द्वारक के मध्य बिंदु से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष पर जो मध्य बिंदु पाया जाता है वह ध्रुव कहलाता है। अर्थात द्वारक के जिस मध्य बिंदु से होकर मुख्य अक्ष जाता है वह उसका ध्रुव कहलाता है। हमेशा ध्रुव से ही चिन्हों और दूरियों को मापा जाता है। अब आप देखेंगे यहीं पर कि हमारा फोकस, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये द्वारक हो गया, ये परावर्तक तल हो गया, ये पॉलिशदार तल हो गया। अब बात आती है कि फोकस की, फोकस क्या है?
तो ये मान लेते हैं अभी हम फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है सी, यहाँ कहीं कोई मान लो वस्तु रखी गई है ए, ये आपके सामने बिंदु है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको फोकस क्या होता है। तो फोकस, अगर हम फोकस की बात करें तो फोकस क्या है, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष ये है और इसके समांतर यदि कोई किरण जाती है तो दर्पण में से होकर परावर्तित होकर जिस बिंदु से गुजरती है वह उसका फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। नंबर दो, जो किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, दर्पण में से होकर परावर्तित होकर उसी बिंदु से वापस लौट आती है, वह उसका वक्रता केंद्र कहलाती है सी, सेंट्रोइड। यह हमारा वक्रता केंद्र होता है। नंबर तीन, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? जब दो या दो से अधिक किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वह उसका प्रतिबिंब कहलाता है। तो यह आपका प्रतिबिंब हो गया आई, मतलब इमेज। ये हमारी वस्तु है, वस्तु को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से चिन्ह परपाटी के लिए हमें क्या करना है। तो चिन्ह परपाटी ध्रुव से हमेशा मापी जाती है और दूरियाँ भी ध्रुव से ही मापी जाती हैं। हम लोग थोड़ी देर के लिए क्वाड्रेंट और कार्ती तल की बात करते हैं, जो आप 9th क्लास में पढ़े हैं, चतुर्थांश कार्ती तल। तो ये हमारा होता है बाई वाई डैस एक्स और एक्स डैस। ये हमारा मूल बिंदु ओरिजिन ओ होता है। आप अगर इसको सही से पढ़ें तो इसको समझने में कोई तकलीफ नहीं है। तो आप देखेंगे कि हमेशा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से दूरियों को और चिन्हों को और कोणों को मापना स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, ये ऋणात्मक है, ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा है और ये ऋणात्मक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ध्रुव जो हमारा होता है वो ध्रुव ओरिजिन सेंटर का काम करता है, मूल बिंदु का काम करता है। तो मूल बिंदु हमारा ये है। आप अपनी बॉडी से रिलेटेड देखेंगे हमेशा कि सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ चलेगी दूरियां सब धनात्मक होती हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ चलेगी दूरियां सब ऋणात्मक होती हैं, हेड की तरफ चलेगी दूरी सब धनात्मक और लेग्स की तरफ चलेगी दूरी ऋणात्मक होती हैं। तो वही सिस्टम आपको इसमें लगाना है। तो आप जिस तरह से, जैसे ये पोल है हमारा, ध्रुव है, ध्रुव मूल बिंदु का काम करता है, तो मूल बिंदु पे हम खड़े हो जाएंगे। तो ये सीधा हाथ है, तो सीधे हाथ राइट हैंड की तरफ अगर हम चलते हैं तो हमारी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं तो डायरेक्शन हमारी नेगेटिव होगी। ध्रुव से अर्थात मुख्य अक्ष से ऊपर बाई अक्ष की दिशा में जब भी चलते हैं तो वो धनात्मक होगा, और बाई अक्ष की, बाई डैश की दिशा में यदि मैं चलता हूँ तो वो ऋणात्मक होगा। अब आप देख सकते हैं कि ध्रुव से फोकस तक की दूरी को F से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लेफ्ट हैंड की तरफ है तो माइनस होगा, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी लेफ्ट हैंड की तरफ है तो ऋणात्मक होगा। वस्तु से और ध्रुव तक की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, जिसे U से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी है लेफ्ट हैंड की तरफ है तो ऋणात्मक होगा। यहाँ से और यहाँ तक U, ये R, ये F। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी को V से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी लेफ्ट हैंड की तरफ है तो ये भी ऋणात्मक होगा। ये V हो गया। वस्तु ऑब्जेक्ट ओ, अवतल दर्पण की अगर बात करें तो हमेशा वस्तु ऊपर यदि है वो पॉजिटिव मानी जाएगी, तो ये वस्तु पॉजिटिव है। प्रतिबिंब हमेशा नीचे ही बनता है तो वो ऋणात्मक नेगेटिव होगा, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बात इस चित्र से समझ में आप लोगों की ये आती होगी कि अवतल दर्पण के लिए केवल वस्तु की लंबाई को छोड़कर अन्य सभी बिंदु और दूरियां ऋणात्मक होती हैं।
ठीक इसका उल्टा आता है उत्तल दर्पण में, वो मैं अभी आपको फिर से चित्र द्वारा समझाऊंगा। तो इसमें आपने मुख्य बिंदु समझ लिए हैं, एक बार मैं दोबारा रिपीट करे दे रहा हूँ कि सबसे पहले द्वारक क्या होता है। तो किसी दर्पण का वह भाग जो हम प्रयोग में लेते हैं, ठीक, तो ये वह द्वारक वह भाग होता है जो हम प्रयोग में लेते हैं। ये इसका पॉलिशदार तल होता है, ये इसका परावर्तक तल होता है। मुख्य अक्ष हमारा वो होता है जो द्वारक के मध्यबिंदु से होकर जाता है। द्वारक के मध्यबिंदु से जब मुख्य अक्ष गुजरता है उस मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। लेफ्ट हैंड की तरफ चलेगी दूरियां सब ऋणात्मक होती हैं, राइट हैंड की तरफ चलेगी दूरियां धनात्मक होती हैं। यदि मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ कोई वस्तु है तो वो धनात्मक होगी, और यदि नीचे है तो वो ऋणात्मक होगी।